हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हाइड्रोस्टैटिक लॉ। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का मेन लॉ है ये, ठीक है। इसको मैंने समझाया हुआ काफ़ी बार, लेकिन पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी नहीं दी थी, आपको इसका यूजेज भी बताए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन कि अगर आपको ये सब्जेक्टिव पेपर में आ जाता तो आपने कैसे करना है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट। तो ये कह रहा है कि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मेरे पास वेरिएशन हो रही है प्रेशर की, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी? स्पेसिफिक वेट के अकॉर्डिंग होगी। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं किस तरह से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पानी का कोई भी यहाँ पे मान लेते हैं टब पड़ा है या कोई भी चीज है जहां पे पानी है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये रहा ऑब्जेक्ट है कोई इस तरह की शेप का, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसमें मैं कहता हूं कि यहां पे इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं कि डी एच है, इसकी हाइट मान लेते हैं डी एच, और इसका एरिया मान लेते हैं डी ए, ठीक है। तो इसका एरिया क्या गया? डी ए। सरफेस एरिया जो है ऊपर वाला एरिया वो डी ए है। ऊपर से जो प्रेशर पड़ेगा, देखिए प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया इस साइड आ जाए तो P इंटू एरिया क्या बन जाएगा? F फोर्स। तो ऊपर की फोर्स कैलकुलेट करना आसान हो गया, क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू डीए, ये आ गया। और अगर मैं बोलूं इसका बॉडी का वेट वो किस तरफ जाएगा? वो नीचे ही जाएगा ना, बॉडी का वेट। तो वो वेट जो है मैं डाउनवर्ड शो कर देता हूं, वेट नीचे जा रहा है और नीचे से एक फोर्स आ रही है, ठीक है। वो उस फोर्स को कैसे शो कर सकते हैं? वो ही सेम P इंटू A, प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो प्रेशर है नीचे से वो ज्यादा है, ठीक है। वही हाइड्रोस्टैटिक लॉ ने किस तरह से समझाना है कि हमारे पास वेरिएशन हो रही है प्रेशर की, तो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। मैं कहता हूं पी प्लस डी पी एल, थोड़ा सा प्रेशर में वेरिएशन है और डी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान है। और यहां पर ऊपर जो पड़ रहा है वो प्रेशर पड़ रहा है एटमोस्फियर का, एटमोस्फियर का प्रेशर पड़ रहा है। तो लीजिए ये हमारे पास डायग्राम तैयार है। तो इसमें क्या कहूंगा कि मैं नीचे जाने वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर जाने वाली फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, ठीक है। आप सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको कि वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। तो मैं यहां पे सीधा सीधा आपको बता रहा हूं कि नीचे जाने वाली फोर्स जो जो होंगी और ऊपर जाने वाली दोनों बराबर कर दें। नीचे जाने वाली यहां पे वेट है और ये है, तो पी इंटू डी ए नीचे जा रहा है और प्लस जा रहा है वेट बॉडी का, वो भी तो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। और ऊपर जाने वाली फोर्स मेरे पास एक ही है, ये वाली P प्लस डी पी इंटू डी ए, ये हमारे पास आ गया। अब एक चीज देखिए, इसकी स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको याद होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इस साइड आ जाएगा, वॉल्यूम इस साइड आ गया और ये वेट। तो वेट को कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसी चीज का क्या होता है? वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ कर दें तो एरिया आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट कर दें तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ही आ जाएगा ना मेरे भाई। तो मेरे पास यहां पे वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया इंटू एच। एरिया हमारे पास क्या था? डी ए, डी ए इंटू एच, डी एच। ये हमारे पास क्या आ गया? बॉडी का वेट, बॉडी का वेट आ गया। तो मैं बॉडी का जो वेट है उसकी जगह ये लिख सकता हूं। तो मेरे पास डी पी डी ए प्लस वेट, तो स्पेसिफिक वेट डी ए डी एच ये आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पी डी ए प्लस डी पी डी ए, ऐसे करेंगे ना मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये देखिए, ये कॉमन एक जैसा है, प्लस प्लस में इधर आके माइनस हो सकता है और कट सकता है। तो मैं इसको काट देता हूं यहीं से, तो सीधा सीधा ये कट सकता है। लीजिए ये मैंने काट दिया, और इसके बाद रह क्या गया? ये रह गया स्पेसिफिक वेट डी ए डी एच डी पी और डी ए, ये रह गया ना। डी ए से डी ए कैंसिल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत? तो स्पेसिफिक वेट को इस साइड रख लें तो वो क्या आ जाएगा? डी पी बाय डी एच। तो वे वही कह रहा था ना, वर्टिकल डायरेक्शन में एच, ठीक है, प्रेशर भी वेरिएशन होगी किसके अकॉर्डिंग? स्पेसिफिक वेट के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक वेट जैसा होगा वैसे हमारे पास क्या होगा?
प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ज्यादा आगे लेके चलते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए और आगे मूव करते हैं। तो यहां तक हम पहुंच चुके थे, अब क्या करेंगे, हमारे पास डीएच को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो डीपी किसके बराबर आ जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू डीएच। तो इसकी इंटीग्रेशन कर दें अगर, तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास यहां पे पी आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, और हमारे पास जब डीएच की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एच आ जाएगा, एच प्लस आ जाएगा एक कांस्टेंट सी। ठीक है, सी कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास देखिए, मैंने कहा था ये पानी है हमारे पास, और इसकी एच जो वेरिएशन हो रही है वो नीचे की ओर हो रही है, ऐसे नीचे की ओर जा रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मैं अगर कहूं कि ऊपर वाली सरफेस यहां पे बताओ जी प्रेशर कितना है, तो एच यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, एच तो जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास पी क्या आ जाएगा, पी डब्ल्यू ये वाला स्पेसिफिक वेट वाला, एच क्या जीरो और सी आ जाएगा। तो सी क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर। प्रेशर कौन सा है, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। लेकिन आप एक चीज याद रखें, जब भी हम गेज प्रेशर कैलकुलेट करते हैं ना किसी चीज का, ठीक है, तो वहां पे ये एटमॉस्फेरिक को निगलेक्ट करते हैं। तो अभी ये पहले सी पुट कर ले, यहां पे सी पुट करें, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक आ गया। तो ये किसके लिए, ये एब्सोल्यूट प्रेशर देखने के लिए मेरे भाई, एब्सोल्यूट प्रेशर देखने के लिए है। कौन सा एब्सोल्यूट, लेकिन मैं क्या करूं कि नहीं जी गेज प्रेशर बताओ कितना गेज, तो गेज का प्रेशर देखने के लिए, ठीक है, गेज प्रेशर देखने के लिए बड़ा ही आसान है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो कर दो। और गेज अगर आपने नहीं इस चीज को समझा होगा, प्लीज इस चीज को जरूर समझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर अलग अलग है सब कुछ। ठीक है, उसका इफेक्ट कैसे है, तो मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मैं आगे चलो थंबनेल दे दूंगा आपको, एक बार उस पर क्लिक करके जरूर इस चीज को देख लेना, समझ लेना, तो काफी आसान हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच, गेज प्रेशर दिखाने के लिए। और ये W क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी, ये होता है ना, तो मेरे पास रो जी एच, तो यही तो होता है प्रेशर चेक करने का फॉर्मूला, रो जी एच। तो H जितना नीचे जाते जाओगे, H वेरी कर रहा है ना, रो तो वही है पानी है, हाँ ना, तो जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच क्या है, वेरिएशन है, नीचे नीचे जाते जाएंगे। तो मेरे पास प्रेशर की वेरिएशन आप देख सकते हैं इस तरह से, P is equal to rho g h, तो h इस साइड रख लें और P by rho g कर दें अगर, तो ये बन जाएगा प्रेशर हेड, जो हमें कैलकुलेट करना होता है, मीटर में आता है ये प्रेशर आएगा, प्रेशर की वैल्यू आएगी जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी, और ये आएगी मीटर में, है दोनों ही प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का रूप चेंज हो जाता बस, तो हम कहते हैं इतने mm ऑफ वाटर, इतने mm ओ एच जी, तो ये चीजें होती हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइड्रोस्टैटिक लॉ को इजी वे से समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज समझ आई है और लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए आपको, तो मेरी वीडियो को आप फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, और इस तरह आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।